आप सब खुश और ठीक ठाक होंगे अल्लाह के फजल व करम से। आज हम बनाने वाले फिश कड़ी पापलेट की, इसको पापलेट कहते हैं। एक एक बड़ा चम्मच तेल, दो पाँच तीन चार है ना ये आम का खट्टा, एक छोटा चम्मच हल्दी, नमक ज़रूरत के हिसाब से, छोटा टमाटो और हरा धनिया, लहसुन की कलियाँ 6-7 और दो बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर और कड़ी पत्ता दो डाली, और ये बघार के लिए लहसुन की दो तीन कलियाँ और पानी हल्दी ज़रूरत। फिर हम बनाते आप हम शुरू करते हैं बनाना। और अभी शुरू मसाला भी पीस लिया है। अब बढ़ते रेसिपी की तरफ। वीडियो रुका उधर। पहले डालेंगे देखचा, गरम हो गया तेल डालेंगे। हम देखचा ही करना ऐसा। अब हमारा तेल भी गरम हो चुका है, सबसे पहले डालेंगे हम लहसुन। सबसे पहले डालेंगे लहसुन की कलियां। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर, इसको भुनेंगे। बाद नमक और हल्दी डाल देंगे। इसका तेल छूटा है, अब हम डालेंगे। मसाला भून गया है, अब इसके बाद डालेंगे हम हमारा बनाया हुआ मसाला, पिसा हुआ मसाला। इसके बाद करेंगे गैस को फास्ट, फुल आंच पे करेंगे। तो भूनेंगे, पानी मिलाएंगे थोड़ा सा ज्यादा नहीं। एक कप पानी हम इसको भूनने देंगे। हमारा मसाला भून गया था, हमने इसमें फिश और खट्टा डाल के इसको पकने रखे। मसाला हमारा पक चुका है, अब इसमें मिलाएंगे गार्निशिंग करेंगे हरे धनिए से। और ये खा के बताएंगे अब्दुल रहमान क्यों, क्या अब्दुल रहमान की वजह से हमारा मसाला भूनने का ब्लॉग जो है ना वो डिलीट हो गया। इसके लिए बताएंगे अब्दुल रहमान, टेस्ट करके बताएंगे। आपने
है। डालो, टेस्ट करके बताओ हमको कैसा बना। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन बना है। आप भी बनाए और अपने घर वालों को खिलाए। और मच्छी बहुत अच्छी तरह से पकी है। बोलो अब्दुल्ला, बहुत बहुत रुकार बोलो अच्छे से। और मच्छी बहुत बेहतरीन बनी है, एकदम अच्छी तरह से पक चुकी है। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। खुदा हाफिज़।